राखी जी आज इसने पोस्ट डाला था कंदू ने, क्या बोला? क्या पोस्ट डाला? कि मेरा इसमें कोई मैटर, मेरा कोई नाम ही नहीं है, उसकी वजह से तो सब कुछ हुआ है। आपको मैंने ऑडियो भेजा है उसका, उसने कहा था कि मैंने उसे कहा मेरा घर खराब मत कर, उसने, मैंने बोला तू उसके पीछे क्यों पड़ी जब वो शादीशुदा है, मेरा घर एक औरत औरत से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसने कहा कि मेरा दिल आ गया है। आपके पास सारे ऑडियोज हैं, अब वो क्यों ये नाटक कर रही है? वो दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है करके। वो जब तक पुलिस स्टेशन में थे, जब तक उनको जिस ही नहीं हुआ था कि आथर रोड जेल में नहीं लेकर गए थे, जब तक वो बात कर रही थी उनके वकील के द्वारा, उनके फ़ोन के द्वारा, यू नो। सो अनु, अनु या तनु या मनु, पता नहीं क्या नाम है इसका, केस तो बनता है तुम पर, मेरे पास वो सारे प्रूफ है। और अभी तो मैं तुमको बोल रही थी जब के आदिल ने मेरे साथ किया क्या किया है, अन्य लड़कियों के साथ क्या किया है, उसने मुझे कहा था तुम झूठी हो। पहली बात तो आदिल ने मुझे बताया है कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी, मैं आपको भेजती हूँ। तुम इंडियन पैनल कोर्ट को कैसे झुठला सकती हो? राखी सावंत और आदिल खान दुरानी की शादी तुम अकेले, तुम्हारी मस्तियों के लिए, तुम्हारी मटर गस्ती के लिए, तुम्हारी अय्याशियों के लिए तुम मेरी शादी झुठला सकती है? तुम्हें क्या मिला मेरी शादी तोड़वा के? मैं 7 महीने से सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कोई भी औरत, दूसरी औरत अपने पति की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मैं तुमसे इतना पोलाइटली बात कर रही थी, इतना पोलाइटली बात कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा कि आदिल के मैंने 8 महीने में 4-4 लड़कियों से मैंने इंक्लूडिंग यू रिश्ते तोड़वाए हैं, लेकिन तुम्हारा तोड़वा नहीं पाई। आदिल आज जेल में है जस्ट बिकॉज मुझे टॉर्चर हुआ है उसके कारण और तुम्हारे कारण। आदिल ने मुझे छोड़ना चाहा, तुमने उसके साथ, वो कोई बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर करता ना तो एक नाज भी होता मुझे कि चलो यार मुझे छोड़ के एक बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर कर रहा है, नहीं एक होता ना, लेकिन कचरा कचरे के पास ही गया, आप समझते हैं? कचरे को कचरा ही खाना होता है, लेकिन आप लोगों ने मिलके जो मेरी ज़िंदगी का कबाड़ा किया है, वाट लगाई है, मुझे नहीं पता कि मैं कब इससे बाहर निकलूँगी, क्योंकि सोती हूँ अकेले, उठती हूँ अकेले, मैं आपको बयान नहीं कर सकती लोगों को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिग बॉस कौन जीतने वाला आपके हिसाब से? कल फिनाले, कल फिनाले है। हाँ। मेरे हिसाब से सामने सामने मुझे लगता है 3 लोगों को फिनाले में होना चाहिए, प्रियंका, शिव और शालीन। अर्चना भी है। मुझे लगता है एमसी स्टैंड का तो मालूम नहीं, मुझे लगता है एमसी स्टैंड को 40 लाख का बैग लेके भाग जाना चाहिए। और ये 3 लोगों को, ये तीनों ही विनर है मेरे लिए। आप होते तो क्या करते? अरे मैं तो कभी नहीं जीतती हूँ बिग बॉस, मेरे लिए बिग बॉस सिर्फ पेटी रेडी करते हैं। पता नहीं, मुझे बुलाया तो नहीं है, शायद मेरे ऐसे हालात है तो नहीं। तो ब्रिटिश के बिग बॉस में जाना चाहिए, यूके में तो सिल्वर सिटी जीत के आया था ना वहाँ। मेरे तो रियल जिंदगी का बिग बॉस चल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना मेरी कोई कहानी, घर घर की कहानी। बिग बॉस में जाना चाहिए, बिग ब्रदर जो है ना वापस शो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना चाहिए, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सब हो गया। काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन जो मेरे दिल पे जख्म है, जो निशान है मेरे हस्बैंड के, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी बेइंतहा। बहुत आसान होता है ब्रेकअप हो जाता है भुलाना, मेरे लिए मेरा ब्रेकअप हो गया है, शायद
वो जेल से आने के बाद हम एक दूसरे को डाइवोर्स भी दे दे बट मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया, इन फ्यूचर तुम किसी और लड़की के साथ शादी करो तो उसके साथ ना करो, क्योंकि आदिल एक साइको केस है। वो अपने आप को मारता है गाड़ी में बैठ के, अगर उसकी कोई नहीं सुनता, सर पे मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, खुद का हाथ तोड़ता है और वीडियो बनाता है कि मुझे मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मारा। ये गलत है आदिल, सुधर जाओ। चलिए, थैंक यू।